नाउ द क्लास इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एंड आई वॉन्ट टू टेल यू की इन टू डेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक वॉट इन टू डेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक रेस्टोरेशन कॉमेडी. यू विल कम टू नो की जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसको हम जो है किसके नाम से जानते हैं. रेस्टोरेशन कॉमेडी को हम लोग जो है एक तरह से अगर कहा जाए कि दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनर. तो यू कैन राइट डाउन हियर टू पॉइंट की रेस्टोरेशन कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है. रेस्टोरेशन कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर दोनों एक ही चीज है. या दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि वाई इज इट कॉल्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी एंड वाई यू यू गेट द टाइटल कॉमेडी ऑफ मैनर. नंबर वन पॉइंट की इट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन ट्रेजिडी बिकॉज इट इमर्ज इन रेस्टोरेशन एज. व्हाट डिड आई टेल, आई जस्ट टोल्ड यू कि रेस्टोरेशन कॉमेडी को हम रेस्टोरेशन कॉमेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेस्टोरेशन एज में आया है. आई जस्ट कॉल इट रेस्टोरेशन कॉमेडी बिकॉज इट केम इन रेस्टोरेशन एज. एंड व्हाट डिड आई टेल, आई जस्ट टोल्ड यू कि रेस्टोरेशन एज इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1700. 1660 से 1700 ईस्वी तक का जो पीरियड रहा उसको रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है. एंड जॉन ड्राइडन वॉज द लीडिंग पोएट. इस एज के जो पोएट रहे हैं जॉन ड्राइडन जो है लीडिंग पोएट रहे. ये दो पॉइंट कल ही मैंने आपसे डिस्कस किया था. तीसरा पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि वाई इज इट कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर. यू अल्टीमेटली गेट की जो कॉमेडी ऑफ मैनर है यहाँ पे एक पार्टिकुलर वर्ड है मैनर. व्हाट डू यू मीन बाय मैनर. मैनर द पार्टिकुलर आपका जो एटीट्यूड है, जो वे ऑफ लिविंग है, जो आपका एक स्टाइल है, जो आपके जिंदगी गुजारने का तरीका है, जो आपका समाज है, जो आपका चाल ढाल है, जो आपका रहन सहन है, जो आपका एटिकेट है, वो सारा चीज जो है उस मैनर वर्ड में आ रहा है. तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो मैनर है किसका मैनर. अनडाउटली देर इज अ मैनर बट मैनर किसका मैनर, हूज मैनर. तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है या जो कॉमेडी ऑफ मैनर है, यू फाइंड दैट हियर इज व्हाट, हियर इज द मैनर ऑफ जो अपर क्लास के लोग हैं उनके मैनर को दिखाया गया. जैसे हीरोइक ट्रेजिडी में अपर क्लास, क्या मैं एक वर्ड यूज करूं कि अपर मिडिल क्लास, एकदम से अपर क्लास भी नहीं बल्कि अपर मिडिल क्लास के मैनर को. तो तीन पॉइंट आपको नोट करना है. सबसे पहला पॉइंट कि रेस्टोरेशन कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर दोनों एक चीज है. दूसरा चीज है कि यहाँ पे किसका मैनर है. हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड द मैनर ऑफ अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के मैनर को आप यहाँ पर पाते हैं. एंड व्हेन यू गेट द मैनर ऑफ अपर मिडिल क्लास, व्हाट अदर थिंग यू गेट द मैनर ऑफ अपर मिडिल क्लास, देन यू विल कम टू नो कि दैट पर्टिकुलर मैनर हैज बीन सैटिराइज्ड. जो उनका मैनर है उस पार्टिकुलर मैनर को बहुत अच्छा नहीं माना गया बल्कि अपर मिडिल क्लास में एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी हम पाते हैं, एक ऐसा समाज हम पाते हैं जहाँ के मैनर को ऐसा नहीं कि दैट मैनर हैज बीन आइडियलाइज्ड, दैट मैनर हैज बीन ग्लोरीफाइड. नो नॉट एट ऑल. उस मैनर को ना तो आइडियलाइज किया गया ना ही उस मैनर को ग्लोरीफाई किया गया है बल्कि उस मैनर को वहां पे क्या किया गया है. यू विल कम टू नो कि दैट मैनर हैज बीन सैटिराइज्ड. तो राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, अपर मिडिल क्लास मैनर हैज नॉट बीन आइडियलाइज्ड और ग्लोरीफाइड. जो अपर मिडिल क्लास का मैनर है ना तो उसको आइडियलाइज किया गया है ना ही उसको ग्लोरीफाई किया गया है. बट दैट मैनर हैज बीन व्हाट, दैट मैनर हैज बीन सैटिराइज्ड. सैटिराइज क्योंकि अगर उस पर व्यंग किया गया, व्यंग करने का पीछे रीजन ये था कि जो सोसाइटी है, जो उस समय का समाज है, वो समाज जो है उस पार्टिकुलर मैनर को लाइक नहीं करता, लाइक नहीं कर रहा था. दिस इज वाई यू फाइंड दिस पार्टिकुलर पॉइंट. अब सवाल उठता है कि व्हाट डू यू फाइंड इन द मैनर ऑफ द अपर मिडिल क्लास पीपल. वी कम टू नो की वी फाइंड अल्टीमेटली व्हाट, वी फाइंड दैट की हिपोक्रिटिक मैनर. आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड, उनका जो मैनर था उनका मैनर बहुत ज्यादा हिपोक्रिटिक था, बहुत ज्यादा हिपोक्रिट मैनर. हिपोक्रिट
ढोंगीपन, बनावटीपन, पाम्प एंड शो, तो यू विल कम टू नो HYPOCRITE, हिपोक्रिट। तो ये जो वर्ड है, यह पार्टिकुलर जो वर्ड है, इट अल्टीमेटली जस्ट रिफर्स टू उनके मैनर को बताने के लिए पर्याप्त है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी इज ऑल्सो नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनर, एंड इन दैट कॉमेडी यू कम टू नो कि देयर इज द मैनर ऑफ हुम, देयर इज द मैनर ऑफ अपर मिडिल क्लास का मैनर। और वह जो अपर मिडिल क्लास का मैनर है, दैट मैनर हैज नॉट बीन आइडियलाइज्ड, दैट मैनर हैज नॉट बीन ग्लोरीफाइड, बट सैटिराइज्ड। उसको क्या किया गया, सैटिराइज किया गया, उसके ऊपर एक व्यंग किया गया। क्यों? क्योंकि वह जो मैनर है उसमें उसमें वह हिपोक्रिट है, उसमें बहुत सारा बनावटीपन है, पाम्प एंड शो है, दीज थिंग्स यू फाइंड। एंड द पार्टिकुलर कल्चर ऑफ द अपर मिडिल क्लास हु कम इन रेस्टोरेशन कॉमेडी, यू विल कम टू नो कि उनमें बैक बाइटिंग है। एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो वहां पे देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट, दैट इज बैक बाइटिंग, दैट इज लेग पुलिंग है, बैक बाइटिंग है, लेग पुलिंग है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। इसके अलावा वहां पे जो रिलेशनशिप है, खास करके मेल फीमेल का, हस्बैंड वाइफ का, उन सारे रिलेशनशिप में लस्ट और पैशन की बात कही गई। यू विल कम टू नो कि दैट देयर इज लस्ट, पैशन, देयर इज व्हाट, देयर इज द दिस थिंग्स यू फाइंड, एंड बैक बाइटिंग है, लेग पुलिंग है, मॉन्गरिंग है, स्कैंडलिंग है। दीज आर द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर टू शो दैट रिलेशनशिप, या टू शो द नेचर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हु आर द पार्ट ऑफ या हु आर एसोसिएटेड विद कॉमेडी ऑफ मैनर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। जो भी कैरेक्टर्स रेस्टोरेशन कॉमेडी के हिस्सा हैं, जो उसका पार्ट है, उन सबको आप देखेंगे कि उनका जो मैनर है पार्टिकुलरली ऐसा ही है, लस्ट, पैशन, मांगरिंग, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। एक्सेप्ट इट, यू विल कम टू नो कि उसका जो लिखने का तरीका है वह क्या रहा, प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखा गया। जो भी कॉमेडी ऑफ मैनर आया हुआ है, दैट हैज बीन रिटन इन प्रोजाइक लैंग्वेज, यूज ऑफ आयरनी, यूज ऑफ सटायर, विट, रीजन, रेशन, ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड कि उसका यूज किया गया है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन व्हाट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन अल्टीमेटली केम फ्रॉम माइंड रादर देन हार्ट एंड सोल। यू डोंट फाइंड द अप्लीकेशन ऑफ हार्ट एंड सोल, बट अप्लीकेशन ऑफ माइंड, ज्यादातर हर जगह पे अप्लीकेशन ऑफ माइंड का है, ना कि यूज ऑफ हार्ट है या सोल है। यू डोंट फाइंड एनी रूम फॉर इमोशन, फीलिंग्स, एक तरह का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव, ऑल दिस, नो, नॉट एट ऑल। जो भी रिलेशनशिप है उसमें क्या है, लस्ट है, पैशन है, एक एक तरह का एक्साइटमेंट है, ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो। तो ये चीजें रही हैं जो उस समय के कॉमेडी ऑफ मैनर में रहा है, या रेस्टोरेशन कॉमेडी में। अगेन आई वुड लाइक टू समेराइज, मांगरिंग, MONGERING, स्कैंडलिंग, SCANDLING। तो यू विल कम टू नो कि वहां का जो रेस्टोरेशन जो कॉमेडी है उसमें मांगरिंग और स्कैंडलिंग और बैक बाइटिंग, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो कि काफी अप्रोप्रिएट है टू टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स। मांगरिंग और स्कैंडलिंग का मतलब कि किसी के खिलाफ एक र्यूमर खड़ा करना कि उनका नेचर ऐसे है, उनका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसे है, देयर इज नो रियलिटी एट ऑल, बट यू विल कम टू नो कि द पीपल जस्ट मेक द फॉल्स स्टोरीज अबाउट समवन, दे प्रिपेयर द प्लॉट एंड दे जस्ट नैरेट दैट प्लॉट इन दिस वे कि द पीपल स्टार्ट टू बिलीव उनके घर में क्या हो रहा है, उस घर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसमें ताक झांक करना, देन उसके बारे में एक कहानी बनाना, देन चार लोगों के बीच में बैठ करके उसको एक र्यूमर और ज्यादा मार्केट में लाना, उस पर चर्चा करना, दीज थिंग्स यू फाइंड देयर, दीज थिंग्स यू फाइंड। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे मैंने बताया हिपोक्रिट है, मांगरिंग है, स्कैंडलिंग है, लेग पुलिंग है, बैक बाइटिंग है, ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो।
किसमें लिखा गया है? प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखा गया है। किसके बारे में बात की गई है? अपर मिडिल क्लास के बारे में बात की गई है। किस एज में आया है? रेस्टोरेशन एज में आया हुआ। दिस इज वाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज रेस्टोरेशन कॉमेडी। इतना मैंने आपको बता दिया था, बाकी मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके कुछ उस पर मैं लिख दे रहा हूँ राइटर के जो नाम है, तो आपको और आसानी हो जाएगी उसको समझना। वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेशन कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर। पहला पॉइंट की इट केम इन रेस्टोरेशन, इट केम इन रेस्टोरेशन एज। कल ही बता दिएगा रेस्टोरेशन एज का जो डेट है 1660 से 1700। इट केम इन रेस्टोरेशन एज। दूसरा पॉइंट, इन इट देयर इज द मैनर ऑफ देयर इज द मैनर ऑफ अपर मिडिल क्लास। जो मैनर है किसका है? अपर मिडिल क्लास का है। दिस मैनर हैज नॉट बीन आइडियलाइज्ड आर ग्लोरीफाइड। बट सेटिराइज। ये जो मैनर है इसको ना तो आइडियलाइज किया गया ना ग्लोरीफाई किया गया, बल्कि क्या किया गया? सेटिराइज किया गया है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मैनर, देन व्हाट टाइप ऑफ मैनर ऑफ द अपर मिडिल क्लास? यू कम टू नो दैट देयर इज व्हाट? देयर इज मांगरिंग, स्कैंडलिंग, SCANDLING, स्कैंडलिंग कमा बैक बाइटिंग कमा लेग पुलिंग तो देर इज व्हाट? देर इज मांगरिंग, स्कैंडलिंग, बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग एंड हिपोक्रिट नेचर। ऑफ द पीपल ऑफ अपर मिडिल क्लास, ऑफ द पीपल ऑफ UPPER अपर मिडिल क्लास। तो दीज आर द मीन्स थर्ड पॉइंट की जो आपको याद करना है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, इट इज रिटेन इन प्रोजाइक लैंग्वेज। इसमें लिखी गई, इट इज रिटन इन प्रोजाइक लैंग्वेज।
इट इज रिटन इन प्रोजाइक लैंग्वेज. फिफ्थ पॉइंट, देर इज द यूज ऑफ आयरनी, सटायर, कॉमा, रीजन, विट, रेशन. इनका यूज आपको देखने को मिलेगा कि वट एवर हैज बीन टोल्ड यू विल कम टू नो दिस पॉइंट्स आर देयर. कि देयर इज अ यूज ऑफ आयरनी, सटायर, रीजन, विट एंड रेशन. दीज थिंग्स यू विल गेट. इसके अलावा जो उसके राइटर रहे हैं वो चीज जानना जरूरी कि कौन कौन से राइटर थे जो कॉमेडी ऑफ मैनर से वो थे. तो रिमेम्बर दैट कि यू हैव टू यूज द वर्ड कि चीफ प्रैक्टिशनर, CHIEF, चीफ प्रैक्टिशनर, PRACTITIONERS, चीफ प्रैक्टिशनर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर. जो कॉमेडी ऑफ मैनर है उसके चीफ प्रैक्टिशनर्स कौन कौन लोग रहे हैं. यू विल कम टू नो कि इसके जो चीफ प्रैक्टिशनर्स थे उसमें एक है सर जॉर्ज एथरीज. सर जॉर्ज एथरीज, ETHERIGE. दूसरा विलियम वाइकरली, विलियम वाइकरली, WYCHERLEY, विलियम वाइकरली. तो यू विल कम टू नो कि उसके जो प्रैक्टिशनर्स रहे हैं उसमें एक सर जॉर्ज एथरीज रहे हैं और दूसरा जो रहे हैं वो कौन से रहे हैं. द सेकेंड वॉज विलियम वाइकरली रहे हैं. एंड नाउ थर्ड इज विलियम कॉन्ग्रीव. विलियम कॉन्ग्रीव. फोर्थ इज सर जॉन वाइनबर्ग. फिफ्थ इज जॉर्ज फारकुअर, QUHARGEORGE, जॉर्ज फारकुअर, FARQUHAR. उसके पहले सर जॉन वाइनबर्ग, विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम कॉन्ग्रीव से पहले मैंने विलियम वाइकरली एंड सर जॉर्ज एथरीज. यू विल कम टू नो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था. इसके अलावा यू हैव टू राइट डाउन बेसिक फीचर्स, FEATURES, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर. जो कॉमेडी ऑफ मैनर रहा उसका बेसिक फीचर्स क्या क्या था, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ और भी लिख लीजिएगा. एक तो सबसे पहला चीज की जो कॉमेडी ऑफ मैनर है, इट इज सेड दैट इट इज अ ट्रू मिरर. इट इज अ ट्रू मिरर, ट्रू मिरर ऑफ द टेम्पर एंड आउटलुक ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द टेम्पर एंड आउटलुक ऑफ द सोसाइटी. उस समय का जो समाज था, उस समय के समाज का यह एक सच्चा आईना है. उस समय के समाज की एक सच्ची तस्वीर या उसकी एक झलक इसमें देखने को मिलती है.
ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि इट इज अ ट्रू मिरर ऑफ द टेम्पर, जो समय का स्वभाव है, एंड आउटलुक ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी का जो वाह स्ट्रक्चर है उसका एक तरह से सही झलक उसमें मिलती है, ये बात कही गई है। दूसरा पॉइंट इसके फीचर्स में जो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ इट हैज लैक ऑफ वार्म्थ, WARMTH, लैक ऑफ वार्म्थ एंड डेप्थ, DEPTH एंड डेप्थ ऑफ एलिजाबेथन कॉमेडी, एलिजाबेथन कॉमेडी। यू विल कम टू नो कि इट हैज लैक ऑफ वार्म्थ, इसमें जो है जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो लिटरेरी फीचर्स एलिजाबेथन कॉमेडी में नजर आ रहा था वो चीज यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। ऑलरेडी आई हैव गॉन विद एलिजाबेथन कॉमेडी, व्हेन यू गो या व्हेन यू टेक शेक्सपियरियन कॉमेडी और एलिजाबेथन कॉमेडी, यू कम टू नो दैट देयर इज लव, मैरिज, ब्यूटी, म्यूजिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया। इवन आई ऑल्सो टोल्ड यू कि वहां पे ये चीज दिखाया गया कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, इवन द प्ले एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज, एंड मीन्स जितना भी है मेरी मेकिंग एटमोसफियर, ऑल दीज थिंग्स यू यू कम टू नो। सो वॉट आई वॉन्ट टू से कि वेन यू कंपेयर बिटवीन एलिजाबेथन कॉमेडी एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी, तो यू फाइंड दैट देर इज वॉट, देर इज अ लैक ऑफ वार्म्थ। यहाँ पे लैक ऑफ वार्म्थ है, वैसा चीज आपको नजर नहीं आएगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स एलिजाबेथन कॉमेडी में रही है, जो वहाँ पे लव को लेकर के, बल्कि यहाँ लव नहीं है, यहाँ पे लव की जगह लस्ट है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस आपको जो ध्यान में रखना है। तो ये जो कॉमेडी है, इस कॉमेडी में वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड लैक्स ऑफ द वार्म्थ एंड डेप्थ ऑफ एलिजाबेथन कॉमेडी। उसके बाद जो है तीसरा चीज की नाउ द थर्ड पॉइंट विच यू हैव टू नोट डाउन स्पेशली द मैनर ऑफ, स्पेशली द मैनर ऑफ ऑफ अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, नॉट द मैनर ऑफ होल सोसाइटी, नॉट द मैनर ऑफ होल सोसाइटी। एक और चीज है कि पूरे समाज का मैनर आपको नहीं नजर आएगा, बल्कि पूरे समाज के मैनर की जगह आप ये देखेंगे कि मैनर ऑफ होम, मैनर ऑफ अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का मैनर है, ना कि पूरे समाज का मैनर है। तो रिमेम्बर दैट कि स्पेशली द मैनर ऑफ अपर मिडिल क्लास, दिस पार्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपर मिडिल क्लास, नॉट द मैनर ऑफ होल सोसाइटी। दैट इज एक और चीज जो है यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, दैट इज व्हाट की फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है इसमें इंट्रीग है, INTRIGUE, इंट्रीग, कॉन्स्पिरेसी, इंट्रीग है, कॉन्स्पिरेसी है, एमरस अचीवमेंट ऑफ गे, AMOROUS, एमरस अचीवमेंट ऑफ गे, फ्रिवलस, FRIVOLOUS,
VOLOUS, frivolous, rakish type of young men and women. RAKISH है, rakish type of young men and women. So you will come to know कि इस तरह का इसका characteristics रहा है कि उसमें intrigue है, conspiracy है, amorous achievement है, lust और passion को लेकर के बहुत ज्यादा दिखाया गया है, frivolous है, बहुत सारे petty issues है, और rakish type of young men and women. Rakish type of something की वो जो है दे आर इंगेज विद समवन, फिर उसके बाद कहीं और इंगेज है, फिर एक दूसरे के खिलाफ ही जो है एक कॉन्स्पिरेसी वो कर रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि एक कॉन्स्टेंट नेचर नहीं है, बल्कि समथिंग ऐसा नहीं विच कैन बी आइडियलाइज, विच कैन बी इमिटेटेड, विच कैन बी फॉलोड, विच कैन बी सेट की दैट कि यह एक आइडियल कैरेक्टर है और इसको आने वाले जनरेशन को वहां पे पहुंचाना. नो, नॉट एट ऑल. इस तरह का चीज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा. इंट्रीग, कॉन्स्पिरेसी दोनों सिनोनिम है. नाउ देयर इज द फिफ्थ पॉइंट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसका ज्यादातर जो मैनर है मोस्ट ऑफ द कॉमेडीज का वो क्या है, मैनर्स लंदन को लेकर के जो है बताया गया है कि द पीपल हु आर लिविंग इन दैट सिटी उनका मैनर क्या है. तो एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि द सीन ऑफ SCENE, द सीन ऑफ मोस्ट कॉमेडीज, CO MEDIES, the scene of most comedies of manners is London, more specifically its coffee more specifically its coffee and chocolate houses क्लब्स, ये जहां जहां पे वो लोग बैठते थे, CLUBS, उन सब का जिक्र किया गया है. एंड गैम्बलिंग हाउसेस, GAMBLING, एंड गैम्बलिंग हाउसेस, HOUSES. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द फिफ्थ पॉइंट, आई जस्ट टोल्ड यू कि द सीन ऑफ मोस्ट कॉमेडीज ऑफ मैनर्स इज लंडन. ज्यादातर उसका सेंटर कहाँ पर है, उसका सेंटर जो है लंडन है. और लंडन में क्या, मोर स्पेसिफिकली दे जस्ट कम एंड मीट वेयर कॉफी हाउस में, और बहुत सारे ऐसे चॉकलेट हाउसेस बनाए गए थे, क्लब्स बनाए गए थे, गैम्बलिंग हाउसेस बनाए गए थे. दे स्पेंड देयर टाइम देयर और दे टॉक विद ईच अदर, कन्वर्सेट विद ईच अदर, एक्सचेंज देयर व्यूज, एंड जो कुछ भी लेटेस्ट फैशन है और भी जो इंजॉय की चीजें हैं दे आर डू देयर. वे हाँ, क्लब हाउस भी, ये सब चीजें उस तरह के तमाम सेंटर्स उस समय के बने हुए थे, क्लब्स एंड गैम्बलिंग हाउस. हाँ, पब एंड रेस्तरा, पब जो था वो जो है मॉडर्न एज में ज्यादातर रहा था. पब और रेस्तरा जो है, यू विल कम दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न एज, स्पेशली इन 20th century वगैरह में ज्यादा डांस बार है, पब हाउसेज है, रेस्तरा है, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो. तो ये चीजें जो है वहां का रहा था. ज्यादातर जो इसमें लेडीज हैं और जो जेंट्स हैं वे कैसे थे, उनके लिए क्रिटिक्स यूज करते हैं कि मोस्ट ऑफ द लेडीज
एंड जेंटिलमैन, GENTLE, जेंटिलमैन हु आर ईदर करप्ट आर फैशनेबल, फैशनेबल उन्होंने बताया कि जो भी लेडीज हैं और जो भी जेंटिलमैन थे इस समय के, वे या तो बहुत ज्यादा करप्ट थे या तो बहुत ज्यादा फैशनेबल थे, इस तरह का ही उनका जो है नेचर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द लेडीज एंड जेंटिलमैन वर ईदर करप्ट आर फैशनेबल, सच थिंग यू फाइंड। एक क्रिटिक है लेस्ली स्टीफन, उन्होंने बहुत ही बुरा कहा इन लोगों के बारे में, लेस्ली स्टीफन। लेस्ली स्टीफन कहते हैं कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर है रिटन बाय ब्लैक गार्ड्स एंड फॉर ब्लैक गार्ड्स, इट का मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर, इट वॉज रिटन बाई ब्लैक गार्ड्स, BLACKGUARD, ब्लैक गार्ड, फॉर ब्लैक गार्ड। उनका यह कहना था कि जो उस समय के सबसे करप्ट लोग थे वही लोगों ने इसको लिखा है और उन्हीं लोगों के लिए भी लिखा हुआ है। तो रिटन बाई ब्लैक गार्ड फॉर ब्लैक गार्ड। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट, कि उनके जो डायलॉग है दैट इज द एट विट एंड पॉलिश पुट विट एंड पॉलिश POLI विट एंड पॉलिश इन देयर डायलॉग ऑफ देयर डायलॉग है THEIR विट एंड पॉलिश ऑफ देयर डायलॉग विट एंड पॉलिश ऑफ देयर डायलॉग। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कॉमेडीज रही है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कॉमेडीज है जो इस एज में आई है। कॉमेडीज का मतलब रिस्टोरेशन कॉमेडीज, उनके वर्क जो है, एक है लव इन अ टब, लव इन अ टब, दूसरा है शी वुड इफ शी कुड, शी वुड इफ शी कुड, शी वुड इफ शी कुड, एक और है द मैन ऑफ मोल, द मैन ऑफ मोल। तो यू विल कम टू नो कि ये जो रहे हैं ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर लव इन अ टब कई बार पूछा जा चुका है, शी कुड। हेलो, द मैन ऑफ मोल, MOLE, मैडम ये अगर आवाज जा रही है, मैन ऑफ मोल, MOLE। मोल का मतलब एक जो होता है, क्या कहते हैं, अरे तो स्पॉट होता ना गाल पे, तिल वगैरह, द मैन ऑफ मोल। दूसरा चीज जो है कुछ और, ये सब जो तीनों लिखी गई है, MOLE, मैन ऑफ मोल, ये तीनों जो है लिखने वाले राइटर का नाम है जॉर्ज एथरीज, ये लिख करके लिखी, इट वॉज रिटन बाय जॉर्ज एथरीज, इट वॉज रिटन बाई
जॉर्ज एथरीज, ई टी एच ई टी एच ई आर ई जी, जॉर्ज एथरीज। ये सब जॉर्ज एथरीज के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि एक राइटर है विलियम वाई कर्ली, विलियम वाई कर्ली, डब्ल्यू वाई सी एच ई आर एल ई वाई, विलियम वाई कर्ली रोट। विलियम वाई कर्ली ने क्या क्या लिखा हुआ है उसको बता दे रहे हैं। विलियम वाई कर्ली ने जो लिखा है उसमें से एक है लव इज इन, लव इन वुड, लव इन वुड। दूसरा एक है द जेंटलमैन डांसिंग, द जेंटलमैन डांसिंग, द जेंटलमैन डांसिंग, द कंट्री वाइफ, द कंट्री वाइफ, द कंट्री वाइफ। नेक्स्ट है द प्लेन डीलर, इसमें आप देखेंगे कि जो लव इज इन वुड है और खासकर द कंट्री वाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट राइटर है कांग्रीव, सी ओ एन जी आर ई वी, इनको आप 11 नंबर कर लीजिएगा ताकि याद रहे। कांग्रीव, कांग्रीव ने क्या क्या लिखा है, द ओल्ड बैचलर, ये पूछा जा चुका है, द ओल्ड बैचलर, बी ए सी एच ई एल ओ आर, द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, द डबल डीलर, डी ई ए एल ई आर, द डबल डीलर, द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये उनका वर्क रहा है। एक राइटर है फारक्वार, एफ ए आर क्यू यू एच ए आर, फारक्वार को उन्होंने जो लिखा है द रिक्रूटिंग ऑफिसर, द रिक्रूटिंग ऑफिसर। द रिक्रूटिंग ऑफिसर, फारक्वार राइटर का नाम है इसकी किताब, द रिक्रूटिंग ऑफिसर। वाइनबर्ग, वाइनबर्ग, द रिलैप्स, द रिलैप्स, द प्रोवोक्ड वाइफ, तो यू विल कम टू नो कि ये सारा चीज जो है, वाइनबर्ग राइटर का नाम है, उसकी रचना है द रिलैप्स और द प्रोवोक्ड वाइफ। इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड, व्हाट इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दीज वर्क, जो उससे रिलेटेड रहा है, कॉमेडी ऑफ मैनर। तो कल से हम लोगों ने हीरोइक ट्रेजेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, रेस्टोरेशन एज का पूरा फीचर्स, उस पर मैं गया था। अभी एक छोटा सा बात करनी है ऑफ रेस्टोरेशन एज, प्रोज ऑफ रेस्टोरेशन, प्रोज, प्रोज ऑफ रेस्टोरेशन एज। इसमें से दो क्वेश्चन पूछ, में से एक तो सबसे पहला जो पूछ वो है डायरिस्ट, डी आई ए आर आई एस टी, डायरिस्ट। इस समय के दो आए हुए हैं, एक का नाम है जॉन
इवलिन, EVELYN, जॉन इवलिन, जॉन इवलिन रहे हैं। और एक थे सैमुअल पेपिस। जॉन इवलिन का एक इम्पोर्टेंट वर्क है, उसका नाम है सिल्वा करके, जॉन इवलिन। और दूसरा जो है राइटर है सैमुअल पेपिस, PEPYS। ये दोनों जो डायरिस्ट रहे उस एज के, सैमुअल पेपिस ने अपनी डायरी में लंदन फायर का भी जिक्र किया है। तो यहाँ नोट करके आप लिख लीजिएगा, लंदन फायर वॉज मेंशन्ड बाई सैमुअल पेपिस, PEPYS, इन हिज डायरी, आगे करके लिखना है। लंदन फायर का जो जिक्र है सैमुअल पेपिस ने किया है, किसमें किया है? सैमुअल पेपिस, इन हिज डायरी, DIARY, इन हिज डायरी। और एंड जॉन इवलिन, EVELYN, जॉन इवलिन रोट सिल्वा करके, एक उन्होंने किताब लिखा था, SYLVA, सिल्वा, जो फॉरेस्ट्री पर पहली किताब है, सिल्वा एंड टेर्रा। सिल्वा और टेर्रा नाम की दो किताबें लिखी थी। तो सिल्वा जो है फॉरेस्ट्री पर की पहली किताब है, और जो टेर्रा है वो एग्रीकल्चर से, कि जो खेतीहर जमीन है उसको लेकर के उन्होंने बात किया है। तो ये दो डायरिस्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है, सैमुअल पेपिस एंड जॉन इवलिन। सिल्वा में मैं फिर से बता दूं, सिल्वा किस पर रिलेटेड है? सिल्वा फॉरेस्ट्री से है। और टेर्रा में किसके बारे में बात की गई है? टेर्रा में एग्रीकल्चर के बारे में, ये भी नोट करके लिख लीजिए। इन सिल्वा देयर इज द मैटर ऑफ फॉरेस्ट्री, OF ऑफ फॉरेस्ट्री, FORESTRY, फॉरेस्ट्री, एंड इन टेर्रा एग्रीकल्चर, एंड इन टेर्रा TERRA, एंड इन टेर्रा एग्रीकल्चर। कुछ और प्रोज राइटर्स हैं, केवल उनका नाम लिखना है। आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स, और उनका केवल नाम लिखना है, और साथ ही साथ आपको वो करना है क्या उनका वर्क है। एक प्रोज राइटर आए हुए हैं उस समय, जॉन लॉक, याद होगा हॉब्स लॉक रूसो करके, जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिए थे, पॉलिटिकल साइंस जिसका भी रहा होगा दे नो इट। जॉन लॉक का एक बुक है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जॉन लॉक ऑथर का नाम है, इनकी किताब का नाम है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये जॉन लॉक कर रहा है। ये किताब 1690 ईस्वी में आई है। जॉन लॉक का एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इट केम इन 1690। एक दूसरे राइटर रहे हॉप्स, HOBBES, हॉप्स। हॉप्स की किताब का नाम है लेवियाथन, LE, ये पूछा जा चुका है, लेवियाथन UGC नेट में आ चुका है, लेवियाथन। इसी का सब टाइटल है आर द मैटर, लेवियाथन और द मैटर।
एक और उनकी किताब है फार्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ, दूसरा है फार्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ, पावर ऑफ COMMON कॉमनवेल्थ, WELTH, पावर ऑफ कॉमनवेल्थ। लास्ट राइटर, लास्ट किताब सैमुअल बटलर, SAMUEL लिखा हुआ, LL ना समझ लीजिएगा, SAMUEL, सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर की किताब का नाम है ह्यूडी ब्रॉस, ह्यूडी ब्रॉस, BROS, ह्यूडी ब्रॉस। मॉडल्ड अपॉन, MODELLED, मॉडल्ड अपॉन डॉन जाइकॉट, QUIXOT, डॉन जाइकॉट बाई सर्वेंटिस। ये चीज ह्यूडी ब्रास आपको ध्यान में रखना कि सैमुअल बटलर का उस समय के एक राइटर रहे हैं जिन्होंने ह्यूडी ब्रास लिखा हुआ है जो डॉन जाइकॉट पर जो है आधारित है। सो इन दिस वे आई हैव टेकन दीज पॉइंट्स, आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन, एनी आंसर, एनी टाइप ऑफ सजेशन समथिंग, एंड होप वी विल मीट टुमारो, नॉट दिस इवनिंग। कल हम लोगों की मुलाकात इंशाल्लाह होगी, और वी विल गो विद अगस्टन एज, तब तक आप अगस्टन एज तैयार करिएगा, पूरा का पूरा एज कवर हो चुका है, और ऐसा कुछ नहीं कि कोई डाउट नहीं, सब कुछ लिखवाया गया, सब कुछ वो किया गया, कोई डाउट होगा तो उसको बाद में क्लियर किया जाएगा।